मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द पार्सल इंटरनेशनल स्कूल। सो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने क्या डिस्कस किया था, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट चल रहे थे, कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज जो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। सबसे पहले यहां एक वर्ड सीखा हमने, रेवेन्यू क्या होती है। बेटा रेवेन्यू का मतलब होता है कोई भी पैसा जो आपके पास आता है, जैसे आप माल बेचते हैं जो पैसा आता है सेल्स, वो रेवेन्यू है। पैसा प्राप्ति, रेवेन्यू मतलब आपको प्राप्ति, कुछ पैसा मिला। मान लीजिए आपने इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन मिला, कमीशन रिसीव। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, इन सबको होता है हम रेवेन्यू। अब अगला टॉपिक है रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है उसको रिकॉग्नाइज कब करना, उसको बुक्स में एंट्री कब करनी है, उसकी एंट्री कब करनी है, ये यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा है। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। मेरी बात सुनो, मान लीजिए ये 2016 ईयर 2007, अगर मैं बोलूँ आपने यहाँ किसी को नगद माल भेजा, नगद माल भेजा मतलब कैश सेल्स, कैश मतलब नगद, सेल्स मतलब कब बेचा, 2016, मतलब उसको आपने माल दिया और सामने वाले ने आपको पैसे दिए। इस केस में आप बताइए जो इनकम हुई आपके रेवेन्यू मतलब इनकम, ये किस साल की इनकम मानेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है 2016 दिक्कत नहीं है ना, क्यों, क्योंकि जिस साल हमने माल बेचा था या सर्विस दी थी उसी साल हमें पैसा मिल गया। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा केस चेंज कर दूं, मान लीजिए आपने 2016 में माल बेचा यहां और उधार बेचा, उधार को बेटा इंग्लिश में क्रेडिट सेल्स बोलते हैं, क्रेडिट मतलब बेचना, सेल्स मतलब उधार, उधार बेचना, क्रेडिट सेल्स उधार, सेल्स मतलब बेचना, क्रेडिट मतलब उधार। आपने उधार माल बेचा 2016 और मान लीजिए इसका पैसा आपको कब मिला, 2017। अब ये क्वेश्चन आ रहा है, ये इनकम किस साल की माल, जिस साल आपने माल बेचा उस साल की, या जिस साल पैसा आया उस साल। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके बुक्स वालों ने कहा है, और ये अकाउंटिंग का एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है कि आपको रेवेन्यू को उस साल रिकॉग्नाइज करना, उस साल मानना है, उस साल उसकी एंट्री करनी है जिस साल वो एक्चुअल में मिल जाए, व्हेन दैट रेवेन्यू इज एक्चुअली रिसीव। अब यहां कई बच्चे सोचते हैं एक्चुअल रिसीव का मतलब क्या, जो एक्चुअल रिसीव का मतलब ये नहीं कि पैसा कब आया, हाँ एक्चुअल रिसीव का मीनिंग यहां गुड्स और सर्विस देने से, मतलब आपने जिस साल माल बेचा है या आपने जिस साल सर्विस दी है। मैंने माल कब बेचा, 2016 में, या मैंने सर्विस कब दी, 2016 में, तो मैं इस साल की ही इनकम मानता हूं। मुझे ये नहीं देखना पैसा कब आया, पैसे का आना और पैसे का जाना इंपोर्टेंट नहीं, इंपोर्टेंट क्या आपका उस इनकम पर अधिकार कब हुआ, आपका राइट कब बना। भाई जैसे ही मैंने उसको माल बेचा मेरा अधिकार हो गया, अब तो मैं उससे पैसा लूंगा, तो अधिकार इस साल हुआ है ना, इस साल मैंने गुड्स और सर्विस दिए तो मैं इसी साल की इनकम मांगू। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कह रहे तो अपन हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट ये बताना चाह रहा है बस कि अगर आपने इनकम रिकॉग्नाइज करनी, किसी इनकम को रिपोर्ट करना, बुक्स में दिखाना, तो उस इनकम को किस साल की इनकम माननी है। इसके लिए कॉन्सेप्ट कह रहा है कि आपको ये देखना है कि उस इनकम पर आपका अधिकार कब होता है, आपका राइट कब बनता है। ये नहीं देखना कि वो पैसा कब आया, पैसा बाद में आया हो चाहे पहले, इट डजंट मैटर, अधिकार जिस साल हुआ वो उसी साल की इनकम मानी जाएगी। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ, मैंने 2016 में माल बेचा तो मतलब मेरा इस इनकम पे अधिकार 2016 में हुआ, इसका मतलब है इससे 2016 की इनकम मानूंगा, और ये मैं ये मैटर नहीं करता कि पैसा 2017 में आया कि अधिकार। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन दैट ईयर वेन द राइट टू रिसीव दैट रेवेन्यू हैज अराइज़न। और आई कैन से रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, रिकॉर्ड करना आपको बुक्स में, इन द ईयर उस साल वेन इट इज एक्चुअली रिसीव, एंड हियर द मीनिंग ऑफ एक्चुअल रिसीव मीन्स वेन द गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर, वेन गुड्स आर डिलीवर, जिस साल आपने डिलीवर कर लिया। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट वेन द एक्चुअल मनी इज रिसीव, आपके पास एक्चुअली पैसा कब आया, इट डजंट मैटर टू अस। हैव अ नाइस डे।